हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोटैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, क्या देर रात ये पर्सन आपको याद करेंगे भी या नहीं, या कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपके बारे में इस इंसान के थ्रू याद करा जा रहा है, ये चीजें मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। बस आपको बस और बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। इवन कोई मुझसे पूछ रहा था क्या सेम जेंडर वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखिए, सिचुएशंस, नंबर, राशियां, सब चीजें बताई जाती हैं। अगर ये सभी चीजें आपसे रिलेट करती हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो फोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इनकी एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की सोच को डिफाइन कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, आके देर रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए। बिच फायर सोड फोनिक्स एक्सपेक्टेशंस प्रे। कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएं। हालांकि मैं अभी टैरो से कार्ड्स निकालूंगी क्लारिफिकेशंस के लिए, देन आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगी राशियों को। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए 16, 7, 9, 12, 3, 37, 10 एंड 1 एंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखे वो हैं आपके जुलाई, सेप्टेम्बर, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। तो ये आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली ऐसा देख पा रही हूँ, शायद पहले ना आप इस इंसान से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद नहीं रख रहे थे। जो आपको दे रहे थे आपके लिए पर्याप्त था, या फिर जो आपको इनके माध्यम से दिया जा रहा था आप उससे संतुष्ट थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस इंसान को इस टावर के बाद ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ से आने लगी है। अब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इनसे या इनके साथ से वो बढ़ती जा रही है और आपकी उन एक्सपेक्टेशंस पर ये खरे उतर नहीं रहे हैं और शायद ही उतर भी पाएंगे। तो इस तरह के थॉट्स इस इंसान को इस वक्त में ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज आपने इनसे मांगी है, चाहे तो आपने कमिटमेंट मांगा हो, या इनका वक्त आपने मांगा हो, या फिर आपने इनका साथ मांगा हो, तो कुछ तो ऐसी चीजें आपने इनसे मांगी है। तो उस चीज को लेकर इस इंसान को अब आपको लेकर ये चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं कि भाई अब आप इनसे उम्मीदें रखना शुरू कर दिए हो और वो एक्सपेक्टेशंस ये आपकी फुलफिल नहीं कर पाएंगे या उस पर ये खरे नहीं उतरेंगे। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं इस टावर के बाद, ये जो भी टावर आया, मतलब इन्होंने आपकी उम्मीदें पूरी नहीं करी, उसके बाद जो भी टावर आया उसने ना आपके अंदर काफी चीजों को बदल दिया है। आपके अंदर चीजें अब बहुत सारी इन्हें बदली बदली सी नजर आ रही हैं। जैसे आप, हो सकता है यहाँ पे अब किसी भी तरह से स्टैंड अपने लिए ले रहे हो, एज एन या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी बात रखकर आप ले रहे हो, या पहले जॉब नहीं करते थे तो जॉब करके कर रहे हो, अपने अंदर आपने बहुत सारे बदलाव लेकर आए हो। पहले आप डीपी स्टेटस ये सब नहीं लगाते थे, अब लगा रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजें आप में पहले से बदली हैं और वही बदली हुई चीजें इंसान को ये महसूस करा रही हैं कि आपके अंदर भी बहुत कुछ बदलता जा रहा है, जो एहसास दिला रहा है कि अब आप अगर स्टैंड ले रहे हो, खड़े हो रहे हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए, और बदल भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए। लेकिन आपके ये जो बदलाव है ना, वो इस इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव इस इंसान को आपको इनसे अधिक ज्यादा मजबूत, इनसे अधिक ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रहे हैं। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर ये इंसान जो भी एंड हो रहा है ना, उस एंड को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये एंडिंग जो भी हो रही है, ये टावर जो भी आया है, वो इनके लिए भी एक्सेप्ट करना
डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन इन्हें ये चीजें लग रही हैं जब ये आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाएंगे, या अब अगर आपके अंदर इतना कुछ बदल गया है ये उसको डील नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें उस एंडिंग को स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीजें भी इन्हें लग रही है कि आप उस एंडिंग को इस टावर के बाद, इस तूफान के बाद ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हो, जो कभी एक वक्त पे आपको खुद को स्वीकार्य नहीं था। हो सकता है एक वक्त पे आप इनसे कहते हो कि आप इनके बिना, इस रिश्ते के बिना एक पल एक घड़ी भी रह नहीं पाओगे, लेकिन अब जैसे जैसे आप स्टैंड ले रहे हो वैसे वैसे इस इंसान को ये चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही हैं कि भाई आप इस एंडिंग को स्वीकार कर चुके हो। तो वो चीजें इस इंसान को इस वक्त में ज्यादा फील हो रही हैं, या ये कह सकते हो वही चीजें इस इंसान को इस वक्त में ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। ये टैरो से देखते हैं और चीजें मैं आपको बताती चली जाऊंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सब व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए, बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स एंड बॉटम की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स ये भी आपका रिवर्स में आया है। एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, जिसमें आपका सैजिटेरियस काफी स्ट्रॉन्ग में है, आप या आपके पर्सन में से कोई भी हो सकता है। देखो इस इंसान को व्यूअर्स इस वक्त में ना आपका यू स्टैंड लेना या आपका एकदम से खामोश होना या जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी चीजें इन्हें आपके अंदर बदलती हुई नजर आ रही हैं, वो एक आग के तौर पर नजर आ रही हैं। जैसे कि आप एक आग बनते जा रहे हो, जितना आपके ये करीब आएंगे उतना ये खुद जलकर राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब्रेशंस इस इंसान की है, जैसे कि वक्त ने कितनी तेजी से यहाँ पर पलटी मारी है या वक्त कितनी तेजी से यहाँ पर बदल गया है। जो इंसान कभी एक वक्त पे इनके सामने स्टैंड नहीं ले पाता था या ले पाती थी, आज कहीं ना कहीं उसी इंसान से इस इंसान को नजरें छुपानी पड़ रही हैं या उसी इंसान से इन्हें अपने आप को छुपाना पड़ रहा है। तो उस तरह की फीलिंग्स इस इंसान को काफी ज्यादा अपने आप को कमजोर इंसान के तौर पर, एक फेलियर इंसान के तौर पर एक आईना दिखा रही हूँ, तो वो एहसास इस इंसान को हो रहा है। यहाँ पे इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे अपने स्टैंड क्या लिया, इनकी किस्मत, इनकी डेस्टिनी इनसे रूठ गई। जो वक्त कभी एक वक्त पे इनकी उंगलियों पर नाचा करता था या इनकी उंगलियों के हिसाब से चलता था, आज वही वक्त इस इंसान को कहीं छुपकर रहने के लिए, कहीं छुपे छुपाए रखने के लिए अपने आप को वो मजबूर कर रहा है। ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान इस पर्सन के आस पास है व्यूअर्स, कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जहर उगल रहा है, जिसने कहीं ना कहीं एक वक्त पे भी इस रिश्ते में काफी कुछ जहर उगला ही उगला। तो वो अभी भी यहाँ पर इस मौके का जैसे फायदा उठा रहे हैं, आप स्टैंड ले रहे हो और वो इस मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, तो उसकी भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केस में अच्छे खासे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान को अगर इस वक्त में सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है ना, या जो जहर इनके मन में खौल रहा है, वो इस चीज का कि आपका स्टैंड लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इन्हें रिजेक्ट करना चाहते हो, आप इन्हें ये जाहिर करना चाह रहे हो कि ये फेलियर है, और आप इन्हें इस तरह से ना स्टैंड लेकर कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह रहे हो। तो ये चीजें इस इंसान को इस वक्त में ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा परसेप्शन इस इंसान का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है इस वक्त में। चेंजेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। चेंज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। उम्र का फासला मुझे आप दोनों के दरमियान दिखाई दे रहा है, और अगर उम्र भी आप लोगों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो एक इनकी सोच आपको लेकर हमेशा यही बनी रही कि आप इनसे छोटे हो,
एक्सपीरियंस के मामले में भी, रिश्ते को निभाने के मामले में भी, यानी कि हर तरह से आप इनसे छोटे ही हो। एक ऐसा परसेप्शन, एक ऐसी बिलीफ सिस्टम एक वक्त पे इस इंसान के रहे हैं आपको लेकर। लेकिन अब इस पल में जितने ज़्यादा ये आपके अंदर चीज़ों को बदलते हुए महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा एक एग्रेशन, इतना ज़्यादा एक गुस्सा इस पर्सन के सर पर जैसे मानो सवार हुआ पड़ा हो। जैसे कि होता है ना कि आपका बदलना इस इंसान को ये एहसास दिलाना है तेरी क्या औकात है, ठीक है, उस तरह से ये चीजों को ले रहे हैं। एज इन कि एक वक्त पे ये आपको कंट्रोल करके रख रहे थे, इन्होंने आपको कंट्रोल करा, अपने हिसाब से आपको चलाया, अपने हिसाब से इन्होंने अपने प्यार के नाम की जंजीरें आपके पैरों में बांधी। और अब आप यहाँ पर इनसे कम होने के बावजूद भी इतना कुछ अपने अंदर बदल रहे हो, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली इस इंसान के ईगो को तो ठेस पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी। तो वही ईगो को जो ठेस पहुंच रही है, वो इस इंसान को गुस्सा दिला रहा है, एग्रेशन में लेकर जा रहा है, आपको लेकर एडिक्टेड भी कर रहा है। एज एन आप इनकी जिद बनते जा रहे हो, फिर से ये आपको हासिल करेंगे, फिर से ये आपको वैसा ही बनाएंगे। तो उस तरह की चीज़ें इस इंसान के ऊपर जैसे सवार हुई पड़ी हो, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में भी मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत कम लोगों से ये रीडिंग रिलेट करे, लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है मेरा आपको वो बताना ज़रूरी बन रहा है व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन होना हो जिद्दी स्वभाव के, या फिर कंट्रोल करने वाली एनर्जी, डोमिनेट करने वाली एनर्जीज इनकी दिख रही है। और आप एक वक्त पे रही भी हो इनके कंट्रोल में, बात बात पर गुस्सा आ जाना, अपनी बात को मनवाने के लिए गुस्सा एक्सप्रेस कर देना, तो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, अपने गुस्से की वजह से ना इस इंसान की तरफ से आपके पास कोई कॉल भी आ सकता है। हालांकि वो जो कॉल होगा इनका, वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के वे में होगा, अपनी नाराजगी को एक्सप्रेस करने के वे में होगा, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है कि उस गुस्से, उस एग्रेशन की वजह से ये इंसान आपको कॉल भी कर दे, ठीक है, आपसे नाराज होकर दिखाए, या कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी खेले, तो उस तरह के भी मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। फोनिक्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, फोनिक्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए डिवाइन। यहाँ पे द लवर्स इन रिवर्स आया है एंड द हाई प्रीस्ट, जेमिनाई एंड कैंसर, हो सकता है इस तरह से आप दोनों कपल हो। इन्हें ना व्यूअर सबसे ज्यादा चीजें इस वक्त में ये भी परेशान कर रही हैं कि इस टावर के बाद आपने ना राज रखने शुरू कर दिए। पहले जितना ज्यादा आप एक खुली किताब थे, आप अपनी एक एक बात इस इंसान से शेयर करते थे, इस इंसान को बताया करते थे, अब आप उतने ही ज्यादा मिस्टीरियस बनते जा रहे हो। और आपका प्यार इस मिस्टीरियस बनने की वजह से ही यहाँ पे डे बाय डे इस इंसान को महसूस होना बंद होता जा रहा है, या ये एहसास होता जा रहा है कि अब आपका प्यार, आपका जुनून, आपका पैशन इनको लेकर, या इनसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, दोनों को ही लेकर यहाँ पर फीका पड़ता जा रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज का कि आप दोनों के कनेक्शन में एक वक्त पे तूफान भी आया था, और उस तूफान में आप दोनों अलग अलग जाकर गिरे हो। पहले आपको ये चीजें तकलीफ दे रही थी तो इन्हें महसूस हो पा रहा था, लेकिन अब वो चीजें जैसे जैसे इन्हें महसूस होनी बंद हो गई हैं, वैसे वैसे समझ में आने लगा है आप इनसे बहुत सारी चीजें एक राज के तौर पर, सीक्रेट के तौर पर रख रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हैं अब आपको ये पर्सन जितना पहले पढ़ लिया करते थे, या उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेट आप बनते जा रहे हो जितने पहले कभी थे भी नहीं, ठीक है। यही चीजें तो इन्हें और ज्यादा एहसास दिला रही हैं, काफी कुछ बदलता जा रहा है आपके अंदर इनको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सब चीजों के जिम्मेदार ना इस टावर को मान रहे हैं, जिस टावर को कभी हो सकता है एक वक्त पे ये पर्सन अपना एक हथियार बनाकर चल रहे थे। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, इन्हें ना इस वक्त में ये चीजें ज्यादा पिंच कर रही हैं। कहाँ तो एक वक्त पे इन्हें ये उम्मीद थी कि आप इनकी तरफ एक नई शुरुआत के लिए
ऑफर लेकर आओगे, वो हर वो कोशिश करोगे इन तक पहुंचने की, ये इन्हें मनाने की, इनकी बटरिंग करने की, जी हजूरी करने की, और ये कहीं ना कहीं आपको रूट कर दिखाएंगे, आपके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कहाँ एक ऐसा वक्त आ गया है जहाँ पर बजाय आप इन्हें मनाने के आप बैठे हो यहाँ पर अपनी ही एक बात को, अपनी एक एक्सपेक्टेशंस को लेकर, अपनी एक जिद को लेकर बैठे हुए। तो इन्हें ना ऐसा लग रहा है कि सोचा था क्या और क्या हो गया। तो इस तरह की चीजें इस पर्सन को इस वक्त में ज्यादा परेशान कर रही हैं। एक्सपेक्टेशंस इनकी जो आपसे थी वो तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप में काफी कुछ बदल कर इनकी उस पर जैसे मानो पानी फेर दिया। वो पानी जिसको जिसमें कभी एक वक्त ये चाहते थे डूबना, वो पानी उस वे में एज इन कि आपके इमोशंस में कहां ये पर्सन डूबना चाहते थे, आपको डुबाना चाहते थे, और आप यहाँ पर बैठ गए हो तलवार लेकर। तो इस तरह की चीजें इस पर्सन को इस वक्त में ना व्यूअर्स काफी ज्यादा तोड़फोड़ रही है, तोड़ने की बात भी है। सो आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगले ने कुछ और कर दिया, तो चीजें परेशान तो आपको करेंगी ही करेंगी। ग्रे को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। यहाँ पे आपका आया है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है इस इंसान की कि जितना ज्यादा आपको सोच रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन नेगेटिव इमोशंस में और स्ट्रेस में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं, या उससे ये पर्सन फाइट कर रहे हैं, उससे ये पर्सन जूझ रहे हैं, और समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चीजें बदली वो इनको कहीं ना कहीं घुटनों पर ले आई, या इन्हें ये चीजें मानने के लिए मजबूर कर रही है कि आपको अब इस इंसान के किसी भी गुस्से, नाराजगी, एक्सपेक्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही चीजें इस इंसान को अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए मजबूर कर रही है। तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का है, यानी कि ये चाहते नहीं है इस एंड को स्वीकार करना, लेकिन अब एक मजबूरी बनती जा रही है, वो सोच इनकी खुद की यहाँ पर बनी हुई है। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स इस एनर्जी, इस इमोशंस के साथ ये पर्सन अब आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। You are so sweet. तो अब इस इंसान को रह रहकर आपकी वो स्वीटनेस याद आ रही है, जो स्वीटनेस कभी इस इंसान ने एक वक्त पे देखकर अनदेखी करी, या जिसकी वैल्यू, जिसकी कदर इस इंसान ने एक वक्त पे समझी नहीं, यानी कि वो बदलती हुई चीजें देख रहे हैं ना, तो अब आपकी वो स्वीटनेस इस इंसान को याद आ रही है। Why don't you understand me? तो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इनके ईगो को किसी भी सूरत में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो कहना चाह रहे हैं कि आप इन्हें क्यों नहीं समझ पा रहे हो, या आप इन्हें क्यों नहीं समझ सकते, अब बदल क्यों रहे हो। I don't have the strength to speak to you. आप जितना ज्यादा इनके लिए कॉम्प्लिकेट राज एक पहेली बनते जा रहे हो, बदलते जा रहे हो, उतना ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ जो है आपसे बात करने की वो टूट रही है। आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब तो स्ट्रेंथ भी नहीं होती तुमसे बात करने की। I know I have hurt you. समझ पा रहे हैं कि आप अब कोई एक expectations क्यों रख रहे हो, वो चार्ट आप लेकर क्यों चल रहे हो, क्योंकि basically ये जान पा रहे हैं इन्होंने आपको इतना hurt कर दिया कि अब आप कोई भी रिश्ता बिना किसी expectations के शुरू करना ही नहीं चाहते हो, उसकी नींव भी नहीं रखना चाहते हो। I am hiding the third party from you. हो सकता है एक वक्त पे इस इंसान ने थर्ड पार्टी को भी आपसे छुपाया हो, यानी कि थर्ड पार्टी को ज्यादा वैल्यू, ज्यादा इंपॉर्टेंस इस इंसान ने दी हो, तो वो भी अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। देख लेती हूँ व्यूअर्स आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, एंड प्लस आपके लिए कोई रेमेडी आती है तो वो भी मैं देखकर आपको बता देती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स इस वक्त में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आया है, जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को लेकर अनस्टेबल हो रहे हो, मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी तो आपको इस इंसान से, लोगों से जेलसी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, ओवर थिंक करने लगते हो, तो कभी आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल भी लेते हो, कभी ऐसा लगता है आपकी जिंदगी पूरी तरह से थम गई है, रुक गई है, कुछ
कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं है जिस पर आपको प्राउड फील हो, तो कभी ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन से बाहर आकर कुछ तो आपने एटलीस्ट हासिल करा, तो आपके इमोशंस मुझे बिल्कुल भी स्टेबल यहाँ पर व्यूअर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए ना व्यूअर्स बेसिकली आपको एक मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा, डेफिनेटली आपकी जो भी स्थिति है जो एकदम डिसबैलेंस्ड आपको नजर आ रही है वो थोड़ी सी सही हो जाएगी। मेन मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा, अगर आप फाइनेंशियली लेवल पर ग्रोथ करना शुरू कर देते हो, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है ना आपकी, या उस तरफ आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो फीलिंग्स जो फ्लैक्चुएट हो रही है वो अपने आप से कवर होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने शुक्र देव का एक मंत्र है उसका जाप करना है डेली बेसिस पर 108 बार, और रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप नॉर्मल 108 मोतियों की माला से भी जाप कर सकते हैं। और आपको ये डेली बेसिस पर करना है, कब तक करना है, जब तक आपका मन शांत नहीं होता, जब तक आपके मौके जो भी हैं वो खुलते नहीं हैं। वो मंत्र है व्यूअर्स, ओम द्राम द्रीम द्रोह सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप जरूर से कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होकर ही रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, सुबह के वक्त करना है, स्नान करके आप करिएगा, और जो महिलाएं 5 दिन नहीं कर पाती हैं उनको उन दिनों में इस मंत्र का जाप नहीं करना है, किसी भी साफ और शुद्ध जगह पर बैठकर ही आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाई अपने आप को, अगर थोड़ी भी जानकारी मिली आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन आप स्टिल अभी तक लाइक नहीं कर पाए हैं तो अब वो काम कर दीजिएगा, यानी कि जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।